गुड मॉर्निंग। आज बज रहा है 11 के आसपास, सैटरडे है। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सो अभी बज रहा है 11:30, तो आज है सैटरडे। सो आज का हम एजेंडा रखते हैं कि 3 से 4 इक्विटी सर्कस का वीडियो बनाएंगे एंड स्टॉक एनालिसिस करेंगे, आज ही करके रख देंगे ताकि यस अच्छा खासा रिस्पॉन्स आए, रीच हो एंड अपने 5th वीडियो TFET का जो उत्तराखंड व्लॉग है उसका 5th वीडियो भी स्टार्ट कर देंगे अपने। सो यही है आज का एजेंडा एंड ऑब्वियसली जॉब के लिए तो अप्लाई करना ही है एवरी डे का जो है। क्या ला दे फ्रेंड्स, ये है हिंदुस्तान पिस्ता बादाम बिस्किट, कपिला गाय 1948 का, 1948 में इसको ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये बेसिकली मुंबई का है, बॉम्बे में ये बहुत बिकता है एंड अच्छा खासा एक्सपेंसिव भी है बट टेस्टी बहुत है। चूरा हो गया आते आते बट फ्लेवर्स बहुत ही अच्छा है। सो पिस्ता बादाम का एक कुकीज है, एक्चुअली पिस्ता बादाम का और केसर का स्मेल बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत ही सूदिंग टेस्ट है, बहुत ही नरम है और लाजवाब। अब एक नंबर बिस्किट है, वन ऑफ द बेस्ट कुकीज आई हैव एवर हैड। सो फिलहाल फिलहाल हम जा रहे हैं नाश्ता लेने, देखिए अगर कुछ नाश्ता मिलता है तो, अगर शर्मा और मार्क्स श्यामनगर वाला खुला रहता है तो थोड़ा कचौड़ी वचौड़ी लेके आएंगे, साथ में कल का पूरी बचा हुआ तो बहुत सही नाश्ता हो जाएगा। देखते हैं, वैसे तो यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, सारे आउटलेट्स को बोला हुआ बंद करने, बट अगर खुला रहते हैं इनकेस चांस मार लेते हैं क्या, तो हो सकता है सर्टेन एरिया वाइज ही कंटेनमेंट जोन किया तो यही है। सो मिले तो बढ़िया, अच्छा नाश्ता हो जाएगा, नहीं है तो वैसे भी अच्छा नाश्ता होगा। तो अभी ऐसा है कि श्यामनगर साइड सारा दुकान मोस्टली बंद है, इक्का दुक्का खुला हुआ है तो खुला हुआ है बट तो मोस्टली बंद है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब यार जानते हो धंधा को लॉस हो रहा है बट फैलने से रोक रहा, बट एक तो जैसे ये शर्मा कचौड़ी का दुकान ये सब हाफ ओपन रखा हुआ, नहीं शॉप के अंदर कोई नहीं जा सकता बट थोड़ा खुला रखा हुआ, थोड़ा ये स्ट्रिक्टनेस करना चाहिए, मतलब अगर आप बंद करो तो यार पूरा करो, बिकॉज इट्स अनफेयर टू अदर शॉप्स कि भाई बाकी बंद रखेगा आप खुला रखोगे, बाकी को भी तो धंधा करना है। तो अगर आप कुछ पहले मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुकान खुला हुआ है, बट द थिंग इज दैट कि अच्छा चलो मेरे को भी सामान मिल जा रहा है, एक अच्छा बात है,
बट ये कि यार सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अगर ऐसा है तो। अगर एक दिन सब बंद है तो सबको ही बंद रहना चाहिए भाई, अदर्स आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी। सबका धंधा मंदा है यार, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हमारे श्रीनगर एरिया में ये चीज़ नहीं थी, वीकली लॉकडाउन तो है, रेस्ट 20-15% खुले हुए, कुछ मतलब हाफ खुले हुए, कुछ तो भाई दिन दहाड़े खुले हुए, भाई जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा है टूर जो बोलते, कल रात को नोटिस आ रहा है, आई थिंक फॉर ट्रेडर्स एक न्यूज़ भी बहुत मायने रखता है। सो ये तो स्ट्रीम से कल रात को आया था, तो हम नहीं रख रहे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरा खुला रखो, बंद रखे तो पूरा खुला, फैसिलिटी का मेरे हिसाब से बात है कि कुछ लोग डर के मारे नहीं बोलते कि भाई यार खोलूँगा तो प्रेशर आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, एंड बस वही है, हिम्मत का भी बात है, जो हिम्मत करे खोल लिया खोल लिया। सो अभी सीन ये है कि मैं देख रहा था सत्यमेव जयते 2, मतलब एक्शन कम साला कॉमेडी पिक्चर ज़्यादा लग रहा, कुछ भी हो रहा है, मतलब बाइक पे बैठा हुआ आदमी उसके साथ बाइक को उठा ले रहा है, अरे साउथ पिक्चर फेल है भाई। पहले हम जो साउथ में बोलते थे रजनीकांत का ये एक्शन, वो एक्शन भाई फेल है, मतलब कुछ भी दिखाते हैं सारे लोग, स्टोरी वही घिसा पिटा, आप एक क्या बोलते हो प्रेडिक्टेबल स्टोरी है, कुछ भी भाई एकदम। मैं रिकमेंड करूँगा एक बार देखो, मज़ा टाइम पास, सेवी टाइम पास, अगर आपके पास एकदम ही फालतू टाइम है तो ज़रूर देखो। सो अभी फ़िलहाल हम थोड़ा वीडियो बनाएंगे, पहले एक काम करते, इक्विटी सर्कस का एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उसके बाद फिर स्टॉक्स एनालिस करके छोड़ देंगे फेसबुक में, एंड फिर या जॉब का भी देखते हैं कोई अगर ओपनिंग है तो। अभी बज रहे 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास बज रहा है, एंड अभी मैंने 2 वीडियो पोस्ट किया इक्विटी सर्कल्स में, 1 अबाउट TCS का एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस बिफोर Q3 अर्निंग, एंड दूसरा है 7 स्टॉक्स विच यू कैन बाय इन यू नो दिस वीक विद अ शॉर्ट टर्म विजन। सो दोनों बटन लाइक मैं चैनल का लिंक दे दूंगा ऊपर इक्विटी सर्कल्स का, आप रेस्पॉक्स में इंटरेस्ट रहा फॉलो करो एंड वो सब वीडियो देख सकते हो। तो फिलहाल ये सीखने की अभी हम लोग मैं सोच रहा हूँ कि जो 5th पार्ट है केदारनाथ वाला वो चालू करो एडिट करना, बिकॉज अभी और कुछ तो कुछ काम है नहीं, मैं थोड़ा बहुत जॉब का भी एप्लीकेशन डाला है, लेट्स सी क्या होता है। तो यस फिलहाल तो यही है, उसके बाद कुछ खाएंगे, एंड आज का दिन ऐसे ही बेहतर है, आया थोड़ा सामान लेने एंड भैया को बंदे लेने, एंड देखा मोटा मोटी सारा दुकान बंद ही है लिखता हूँ, खाली कॉन्फेक्शनरीज एंड खाने का थोड़ा बहुत खुला हुआ है, मेडिकल शॉप और कोई अगर लैब वगैरह है तो वो सब खुला हुआ है, बाकी सब मोटा मोटी बंद ही है। सो फिलहाल तो यहाँ प्रॉपर लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं दुकान में गया था टेम्पर ग्लास चेक करवाने, बट अनफॉर्चुनेटली दुकान बंद है, तो कल जाऊँगा। सो फिलहाल ये है कि अपने पार्ट 5 एडिट करेंगे, एंड उसके बाद हो सके तो मैं इक्विटी सर्कस का जो मैं डेली रिकमेंडेशन रेडी करता हूँ वो मैं कल आज ही करके रख दूँगा, ताकि क्या अच्छा रीच मिले, 2 दिन है। तो अभी मैंने जस्ट एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें पता बता रहे थे कि बूस्टर डोज चालू हो गया है, एक जिसको जिसको दोनों डोज लग चुका है लास्ट ईयर, एंड तो उसका बूस्टर डोज चालू हो गया है, एंड उसके लिए अपने को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, रजिस्ट्रेशन नहीं करना। तो अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, एंड मैं भी चेक कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है ऐसा कुछ है तो उसका लिंक भी आई विल प्रोवाइड, बिकॉज़ ये इन्फॉर्मेशन बहुत दरकार है सबके हेल्थ के रिलेटेड, एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन से सबको का अच्छा हो तो लाइक इट विल बी इट्स अ पर्पस ऑफ आवर वीडियो। लाइक हम लोग मैं जनरली लाइफ डे टू लिव लाइफ में कैसा चल रहा है वो मैं बताता हूँ, बट अगर कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आए तो बहुत अच्छा है। वैसे आज पूरा दिन लॉकडाउन था, मतलब मोस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ अराउंड 95% ऑफ द स्टोर इन साउथ तमदम एरिया बंद थे,
इक्का दुक्का खुला होगा तो खुला होगा, बट मोस्टली बंद था। ये रास्ता भी पूरा खाली है, पूरा सुनसान ही पड़ा हुआ ऑलमोस्ट। सो ये ऐसा देखो, अगर हम लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे ना तो ऐसा सिचुएशन आते रहेगा। अगर हम लोग सावधानी बरतेंगे एंड मास्क पहनेंगे रास्ता में, प्रॉपर हाइजीन रहेंगे, प्रॉपर सैनिटाइज रहेंगे, तो ऐसा सिचुएशन इन फ्यूचर नहीं आए। तो हमें ये सब ध्यान रखना है, केसेस भी बढ़ रहे हैं एंड बट एक चीज़ अच्छा है कि मैंने यहाँ तक सुना है कि यहाँ इतने कुछ सीवियर केसेस नहीं हो रहे, हॉस्पिटलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा किल्लत नहीं हो रही है, तो वो एक अच्छा साइन है। लाइक माइल्ड सिम्टम के साथ आप फाइट कर ले रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ ऑल्सो बिकॉज ऑफ जो वैक्सीन हमें लगा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर दे रहा है। हाँ, जिसको दो डोज लग चुका है उसको भी हो रहा है, मेरी फैमिली में जिसको दो डोज लग चुका है उसके बाद भी उसको हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डबल डोज वैक्सीन लग गया तो आपको नहीं होगा, या आपको पहले हो चुका है तो नहीं होगा। हो सकता है, लाइक किसी को भी हो सकता है, बच्चे लोगों को तक हो रहा है। वैसे 15 से लेकर 18 सालों के बच्चों का भी वैक्सीनेशन चालू हो गया है, तो अगर आपके घर में कोई है तो आप इंक्वायर करो अपने नियरेस्ट सेंटर में। मैं कोविन का भी जो लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो। एंड वैसे सुना बूस्टर भी, जैसे मैंने पहले बोला बूस्टर भी चालू हो गया, तो उसका भी अगर कुछ मिलता है तो मैं आर्टिकल या कुछ अगर मिलता है तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। फाइनली आज का दिन ऐसे ही बीत गया लॉकडाउन में, वीकली ट्राई वीकली लॉकडाउन, कल खुला है सब कुछ। सो अभी देखो कुछ ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, मैंने एक दो एप्लीकेशन डाला जॉब का, लेट्स सी क्या होता है। बट फिलहाल के लिए खाना वाना सब हो गया है, एक काम करते हैं व्लॉग एंड करते हैं आज यहीं, कल फिर मिलेंगे अनदर डे अनदर स्टोरी। सो टिल देन टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।